नर्मदा के तट में नीलकंठ गांव में नीलकंठ मंदिर में हम लोग बाहर से आए हुए हैं अनुष्ठान में नवरात्रि पावन पर्व पर अनुष्ठान करने के लिए आए हुए हैं। बारिश हो रही थी, खूब तेज एकदम बिजली गिरी है और हम लोग बाहर आकर देखे हैं तो कुछ नहीं दिखाई दिया। महाराज जी को देख रहे थे, महाराज जी नहीं दिखाई दिए। उसके बाद जब महाराज जी आ गए तो हम लोग देखे कि यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रकाश हुआ है, वो प्रकाश कहाँ पर हुआ ऐसा महसूस हो रहा था कि बिजली यहीं आसपास गिरी है। और फिर जैसे वहाँ से इस साइड घूम करके आए तो देखे तो शिव जी में दृष्टि पड़ी है, तो शिव जी में थोड़ा सा उसके टुकड़े हो गए शिव जी के। हम महाराज जी से बताएं, फिर महाराज जी ने हमने लोगों से बताया। नर्मदा के तट में नीलकंठ गाँव में नीलकंठ मंदिर में हम लोग बाहर से आए हुए हैं अनुष्ठान में नवरात्रि पावन पर्व पर अनुष्ठान करने के लिए आए हुए हैं। बारिश हो रही थी, खूब तेज एकदम बिजली गिरी है और हम लोग बाहर आकर देखे हैं तो कुछ नहीं दिखाई दिया। महाराज जी को देख रहे थे, महाराज जी नहीं दिखाई दिए। उसके बाद जब महाराज जी आ गए तो हम लोग देखे कि यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रकाश हुआ है, वो प्रकाश कहाँ पर हुआ ऐसा महसूस हो रहा था कि बिजली यहीं आसपास गिरी है। और फिर जैसे वहाँ से इस साइड घूम करके आए तो देखे तो शिव जी में दृष्टि पड़ी है, तो शिव जी में थोड़ा सा उसके टुकड़े हो गए शिव जी के। हम महाराज जी से बताएं, फिर महाराज जी ने हमने लोगों से बताया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।